साउथ कश्मीर के कोकनाग इलाके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पलट गई है। एक शख्स की ऑन स्पॉट मौत वाकया हुई है और दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही बताएंगे है। फिलहाल ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी पूरी तरह दर्दनाक मौत एक शख्स की पेश आई है। कहां से ताल्लुक रखता है शख्स और तो घायल है उनकी किस तरह की स्थिति है जानेंगे। पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर, इस एक्सीडेंट के हवाले से जानकारी पहुंचाइएगा। हाँ जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये दिल दहलाने वाला जो ये सड़क हादसा, ये बूचू के मुकाम पे पेश आया। मैं बता दूं, ये अल्टो गाड़ी जो कि कोकरनाग से अनंतनाग की ओर जा रही थी और बूचू के मुकाम पे जब ये पहुंची, लेकिन आईनी विटनेस का ये कहना है कि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो बड़ी तेज थी, जिसके कारण गाड़ी उलट गई। और जो इस वक्त हमारे पास तफसीलात है उसके मुताबिक एक शख्स अब्दुल मजीद डार की मौत मौके पर हुई, और जो बाकी दो दीगर जख्मी हैं नसीर अहमद मलिक, मोहम्मद इब्राहिम ये कि बूच जो कि बूच का रहने वाला है, और मोहम्मद सलीम मलिक गुल मोहम्मद, ये दोनों इस वक्त जख्मी है। इनको इलाज मुआलजा के लिए हॉस्पिटल फिलहाल रेफर किया गया है, लेकिन जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम मैं फिर से बता दूं, अब्दुल मजीद डार। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है जहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको ये लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये है अब्दुल मजीद डार का जो रहायशी मकान घर, वहां के बाहर इस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई है। और मैं बता दूं, बिल्कुल जो ही ये खबर यहाँ पे पहुंची है तो पूरे इलाके में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है। मैं बता दूं, जो ये गाड़ी थी, जो ये अल्टो गाड़ी थी, ये इतनी तेज रफ्तार थी कि जो ये तीन दीगर अफराद थे, ये मैं थोड़ा दिखाऊं आपको। सपोज हम यहाँ पे दिखाएं आपको, ये ग्रिल जैसी खड़े हैं, इस ग्रिल के उस पार ये खड़े थे तीनों अफराद, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, लेकिन जो ये अल्टो गाड़ी इतनी तेज थी ये उलट गई इसके ऊपर से, और जबकि इन तीनों को जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में अब्दुल मजीद डार इस दुनिया से चल बसे। मैं बता दूं, लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि हम चाहते हैं कि खासकर अगर हम NHIDCL की बात करें या जो खांडे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, लोगों ने यहाँ पे ये कहा है कि हम तो खुश है रोड बन गया, लेकिन हमें कुछ गिले शिकवे भी है। खासकर इन्होंने कई कई जगहों पे मेन होल्स वो भी खुले रखे हैं, और अगर ये ड्रेन की बात कर रहे हैं, इनको अवलिन फुर्सत में जो ये मेन होल्स थे इनको बंद करना था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, इससे पहले भी जो मुहरीपुर अकिनगा वहां पर भी एक शख्स एक मेन होल में गिर गया, जो हॉस्पिटल में इस वक्त मौत हयात की कश्मकश में है, जो कि लोगों ने हमसे बात की है, और उसका भी काफी वहां पे इस वक्त पैसा भी खर्चा आ रहा है हॉस्पिटल में। कुल मिलाकर जो ये मामला पेश आया है, लोगों का ये कहना है कि हम अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर जो ये कंस्ट्रक्शन है उनको चाहिए कि वो फिलफोर जो ये मेन होल जिन्होंने खुले रखे हैं, इनको फिलफोर इमीडिएट इनिशिएटिव में उनको चाहिए कि वो ढक्कन पे लगा दे, और जो ड्रेनेज इस वक्त नामुकम्मल रखी है या जो ये ग्रिल अधूरी रखी है, ये एक कारण है कि जिससे ये हादसा पेश आ रहे हैं। मैं बता दूं, अगर हम 2022 की बात करें, लगभग 8 या 10 हादसे एक्सीडेंट पेश आए, जी लेकिन बिल्कुल। ऊपर वाले और का करम अगर था, कोई एक जिसकी इंसानी जान गई जिया है नहीं हुआ, मुजफ्फर, लेकिन आज 2023 का पहला महीना, जनवरी की 3री तारीख, जब ये भयानक सड़क हादसा यहाँ पे पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत और दो दीगर जख्मी हुए। प्रियंका, मैं बता दूं, यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस भी यहाँ पे मौके पे जी पहुंची, बिल्कुल। और जो ये अल्टो गाड़ी थी उसको यहाँ से फिलहाल लिया गया। मैं आपको यहाँ से जो मेरा से पेश आया है, और जो आपको ये ग्रिल नजर आ रही है, इस ग्रिल के पार ये तीनों अशखाज बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इनको क्या पता थी मजीद साहब को कि ये जिंदगी का आखिरी दिन होगा मेरा, और वहां पर ये गाड़ी पहले ये सड़क से लुढ़क गई और उसके बाद जा टकराई उस दीवार के साथ, और जिसके नतीजे में तीनों हो गए और तीनों में से एक चल बसा। जी।
पर अगर बात करें मुजफ्फर जिसकी मौत वाक्या हुई है, उसका नाम अब्दुल मजीद डार बताया जा रहा है, सन ऑफ गुलाम कादिर डार, और इंजर्ड है शमीम अहमद मलिक, सन ऑफ गुल मलिक, इश्तियाक अहमद मलिक, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मलिक, और सभी भुच्चू कोकरनाग के रहने वाले हैं। फिलहाल उनकी किस तरह की स्थिति बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से ये गाड़ी आ रही थी जिसने इनको हिट किया। तो जो वहां पे मौजूद लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है कि बहुत जो ओवर स्पीडिंग है वही इस हादसे का कारण बनी है। हाँ जी, प्रियंका, दो बातें अच्छी कही है। एक तो ये कि जो ड्राइवर हजरात है उनको भी चाहिए कि जो उनकी स्पीड है उस पे वो थोड़ा काबू रखे, क्योंकि लेकिन मैं दूसरी बात ये बताऊं, जो ये नेशनल हाईवे है इस पे अक्सर बेशतर हम देख रहे हैं कि जो भी ड्राइवर हजरात है, जो भी चाहे फोर व्हीलर्स हो या टू व्हीलर्स हो, उनकी रफ्तार बड़ी तेज होती है। अब मुश्किल होता है एक पेडेस्ट्रियन का, अब मुश्किल होता है एक पैदल चलने वाले का कि वो सड़क क्रॉस कर सके। और लोगों का ये भी कहना है कि हम तो एक उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपना फर्ज अंजाम दे, अल्लाह ना करे अगर किसी को टक्कर लगी भी तो पहले, सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है कि उसको हम फर्स्ट एड के हवाले से अस्पताल पहुंचे। दूसरा ये कि फिर से मैं बता दूं कि लोगों का ये कहना है कि, मैं बता दूं, काफी रोष है, काफी गम गुस्सा है कि जो ये यहाँ पे ये सड़क हादसा पेश आया है। लोग चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो NHIDCL और खासकर जो खांडे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उनके एहलकार, उनसे जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे, उनसे हम मुतबना अपील कर रहे हैं कि जो ये असली कॉज बना है एक्सीडेंट्स का, जो ये मेन होल्स इन्होंने खुले रखे हैं, जो ड्रेन इस वक्त नामुकम्मल है या जो ये ग्रिल इस वक्त इनकम्प्लीट है, ये कुछ ऐसे चीज है अभी नामुकम्मल है जिसके कारण यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि ये हादसातों की सबब बन सकता है। मैं बता दूं, बिल्कुल थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये जो ये आप देख रहे हैं ये है ग्राउंड जीरो पे आपको दिखा रहा हूं मैं, ये है एक मेन होल। अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे हादसा पेश आया तो कोई शख्स यहाँ से आ रहा होगा तो कौन सी बचने की सूरत है उसको, वो तो ऑटोमेटिकली इसमें गिर जाएगा। अब लोगों की ये डिमांड है, लोगों की अपील है, खासकर जो बूथों की आवाम है या बूथों के साथ साथ और भी दीगर जो मुल्क के जात से रहने वाले लोग हैं, उनका ये अपील है खांडी कंस्ट्रक्शन से कि वो फिलफोर इनिशिएटिव उठाए, खासकर जो ये मेन होल्स है इन पे वो ढक्कन लगाए, ताकि अल्लाह ना करे यहाँ पे अगर कोई शख्स इस पेडेस्ट्रियन या कोई यहाँ पे आ सकेगा, यहाँ पे पहुंच के अगर यहाँ से कोई गाड़ी लड़कर यहाँ पहुंची तो ऑटोमेटिकली वो इसमें गिर जाएगा। अब कुल मिलाकर जो ये हादसा हुआ है काफी दिल दहलाने वाला वाकया है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं जो मजीद साहब है, अल्लाह ताला उसको जवार रहमत में जगह दे और सब्र जमील उनके अहले खाना को अता करे, और साथ ही जो दो जिगर जख्मी हुए हैं उनको अल्लाह ताला जल्द जल्द सेहतियाब करे। लेकिन साथ ही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन, अपील है जिला इंतजामिया से, अपील है उन ड्राइवर हजरा से कि वो अपना फर्ज मनसबी कुछ उसलूब से अंजाम दे, और खासकर जो NHIDCL और खांडे कंस्ट्रक्शन है उनको भी चाहिए कि वो लोगों की जो जान माल है उसकी तहफुज के हवाले से जो उनका हक बनता है वो अदा करें। जी प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सीडेंट के हवाले से जानकारी देने के लिए। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से ये गाड़ी पलटी, एक शख्स की जान चली गई और दो गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे जिक न्यूज।